उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो आज पूरी हो रही है। आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं और मेरे दोस्त अदनान भाई और बाकी जो हैं वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। हम उमरा के लिए रवाना हुए हैं। अभी हम कतर में ही हैं, जस्ट नाउ अब निकले हैं घर से। तो इंशाल्लाह विद इन 1 आवर्स हम इंशाल्लाह बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर जो प्रोसेसिंग होगी वीज़ा वगैरह की वो करके उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे। तो हम आपको अपने वीडियो के साथ पूरा बाखबर रखेंगे हर पल से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये है दोहा कतर, कतर का बहुत समरा एरिया है, ठीक है। और ये है मेरे साथ अदनान भाई। काफ़ी इस वक्त थके हुए हैं, थक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा सा वो गाड़ी चला रहे हैं और उनका फोकस जो है पूरा ड्राइविंग पे है और मैं बिल्कुल आराम से इधर एंजॉय कर रहा हूँ सफ़र को। टेंशन है मेरे को भी, पता नहीं क्या होगा बॉर्डर पे, कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना करें, तो इसलिए मेरे को भी टेंशन है, लेकिन यह है कि मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ फिलहाल, आगे का पता नहीं। आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड पे पूरा सुविधा है, काफ़ी लोगों पर जाके इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन हम अभी नहीं जा सकते इंशाल्लाह। अब वापस आने का टाइम तो नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि हम उस साइड में होंगे। सूरज भी ग्रूब हो रहा है और ये सनसेट का टाइम जो है काफ़ी खूबसूरत जो है व्यू दिखाई देता है। Am I right? तो फाइनली अभी हम हैं सऊदी बॉर्डर पे, तो ये हमें वीज़ा वगैरह मिल गया, यहाँ से एंट्री होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम निकल रहे हैं सऊदी अरब के लिए। तो इन्होंने एंट्री करने काफ़ी टाइम लगे, कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे यहाँ पे हमें सऊदी बॉर्डर पे। तो अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह, काफ़ी थक भी चुके हैं और भूख भी लगी है। हम अब यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, देखते आगे कोई खाने का होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह होगा तो वहाँ पर खाना खाएँगे और फिर उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह दमाम के लिए, ताइफ के लिए, सॉरी ताइफ के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। ये दो चीज़ें, दो गेट है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदी में पहुंच चुके हैं और इधर है सामने एक मार्केट है छोटी सी, यहाँ से हमें अपने लिए एक सिम ले लेते हैं और कुछ खाने पीने का सामान वगैरह जो भी है वो लेके, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी का सफ़र शुरू करेंगे। अभी हमें 14 से 15 घंटे जो है कंटिन्यू करवाना है, ये है सिम कार्ड अवेलेबल, ओके 15 घंटे हमें ड्राइविंग करनी है कंटिन्यू, फिर उसके बाद हम निकलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इस मार्केट में आए हुए थे, यहाँ से कुछ सामान लिया है, एक तो गाड़ी की सीट जो थोड़ी सी बैक पेन दे रही थी, ठीक है, उसके लिए स्पंज खरीदें, अदनान भाई के हाथ पे देख सकते हैं, ठीक है। और हमने खाने के लिए कुछ सामान लिया था क्योंकि रास्ते में शायद मिले या ना मिले, तो जूस वगैरह और फ्रूट्स लिए थे, तो लेके अब हम काउंटर पर जा रहे हैं इसको करवाने के लिए और उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे। वो बने रही हमारे साथ पेट्रोल पम्प है, यहाँ से अभी हमने पेट्रोल फिल करवाया और ये है हमारी गाड़ी, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है। पेट्रोल डलवाने के बाद थोड़ा सा कमर को दर्द कर रहा था तो हमने बाहर निकले और थोड़ी सा घूमे ताकि कमर का जो दर्द है वो दूर हो जाए, क्योंकि पिछले शायद 200 किलोमीटर जो है हमने सफ़र तय किया है उसमें एक बार भी हम रेस्ट के लिए नहीं निकले। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट की, तो उसके बाद निकल रहे हैं अब हम अपने अगली मंजिल की तरफ। तो अभी हम पहुँचे हैं पता नहीं कहाँ पे, क्योंकि अंधेरा है और लोकेशन का भी नहीं पता, ना पे कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी ये है हमारे सामने फास्ट फूड का और दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी होटल है, लेकिन फ़िलहाल बंद किया हुआ है इन्होंने, आई थिंक 12 बजे क्लोज हो जाता है। ये फास्ट फूड है, यहाँ पर चलते पूछते हैं क्या है क्या नहीं। Yeah.
अस्सलाम वालेकुम भाई, खाने में क्या हिंदी अरबी वेन मेन्यू? شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह रियाद पहुंच गए. यहां पे अभी टाइम हो रहा है لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. तो अभी हम पहुंचे हैं रियाद में. यहाँ पे हम रुकेंगे फजर की अजान तक, ठीक है? फजर की नमाज़ पढ़ के फिर यहाँ से निकलेंगे. मस्जिद के सामने है हमारे, ये सब देख सकते हैं, ये मस्जिद है. और यहाँ पे हम रुकेंगे फजर तक इंशाल्लाह. तब तक थोड़ी देर रेस्ट कर लेते 20-25 मिनट, फिर उसके बाद निकलेंगे. मेरे साथ वाले जो हैं सभी अभी मस्जिद में रेस्ट करने के लिए गए, तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी के पास भी रहता हूँ और गाड़ी में ही रेस्ट कर लेता हूँ. तो मैं यहीं पर हूँ. अभी थोड़ी देर आर्डर दिया वो खाने के लिए, खाना भी आएगा, फिर वो भी खा के ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे हम यहाँ से. अभी फजर का टाइम हुआ है और हमारी आप चेहरे से देख सकते हो कितने थके हुए हैं. अभी हम नमाज़ पढ़ लेते, अजान हो गई है. ये मस्जिद है, मैं मस्जिद का आपको मंजर दिखा. अभी तो वाशरूम में हूँ, वाशरूम का मंजर आपको दिखाता हूँ कैसा है. ये जद्दा में एक मस्जिद है. आप करेक्ट लोकेशन तो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन मैं ये है मस्जिद की वाशरूम. ओके, मस्जिद. और अभी मैं वज़ू कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे. नमाज़ पढ़ के देखते हैं अगर थकावट दूर हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे आधा घंटा घंटा जो भी वेट करना है वो करके फिर उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह मक्का के लिए. मक्का के लिए सबसे हमने पहले जाना है ताइफ. ताइफ में जाके जो है उमरा के लिए तैयारी करनी है इंशाल्लाह. तो हम आगे भी आपको वीडियो में बताते चलेंगे जहाँ जहाँ तक हो सका हमारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हैं, वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है. तो फाइनली मैं नमाज़ पढ़ के वापस आ गया हूँ और बाकी वाले गए हम नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम गाड़ी को अकेला नहीं छोड़ सकते. यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी कि गाड़ी को कभी अकेला मत छोड़ना या कि ऐसी जगह पर पार्किंग ना करना क्या जहाँ पर कैमरा वाले सीसीटीवी कैमरा वगैरह ऐसे ना हो. मतलब मस्जिद के सामने आप पार्क करो और उसके साथ ये है कि उसको लॉक कर दो, नहीं तो कोई ना कोई वहाँ गाड़ी में बैठा हुआ होना चाहिए. तो अभी फ़िलहाल मैं बैठ रहा हूँ, वो गए नमाज़ पढ़ने के लिए. पहले वो बैठे हुए थे, मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया, अब वो गए नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ. 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना, आ गया निकलना है या फिर घंटा डेढ़ घंटे तक हमें रेस्ट करनी है. जैसी हमारी हालत है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि हमें रेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, कमर भी दर्द कर रही है और हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि अब थोड़ा और सफ़र किया जाए. जब तक थोड़ी सी नींद ना की जाए तो मुझे लगता है घंटा या आधे घंटे का नैप तो लेना पड़ेगा इंशाल्लाह.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة